नमस्कार, मैं पीएन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मैथपेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी सीएचएसएल 2022 का 10 मार्च 2023 को जो पेपर हुआ है थर्ड शिफ्ट में, उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उसको एक एडवांस अप्रोच के साथ हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो क्लास है उन एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो आगे एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। अगर आपका एमटीएस का एग्ज़ाम इसी महीने लगा हुआ है तो आप इस सेशन को ज़रूर देख के जाइए, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा। तो ये डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखना है कि ए क्यू प्लस, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका जीरो है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है आपका 3abc। इसको आप हमेशा याद रखो। कैसे आता है इसका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ये मैं बता देता हूँ आपको, सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला होता है आपका। अगर यहाँ पे आप जीरो रख दोगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यानी कि इस वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस का 3abc उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3abc। तो इसके दो फार्मूले होते हैं, एक आपका ये वाला फार्मूला होता है और दूसरा हम इसे लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर। इन दोनों फार्मूलों का यूज़ होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं था, मैंने आपको समझाने के लिए चीज़ें बता दी। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का जो योगफल है वो 126 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखो अगर तीन संख्याएं हैं तो इनका एवरेज क्या होगा, बीच वाली संख्या, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, कुल योग बटे उनकी संख्या, तो तीन से डिवाइड करोगे तो तिचौक 12 और 3 × 2 = 6, यानी कि ये संख्या आ गई 42। अब क्रमागत सम संख्या तो ये 42 है तो ये कितनी हो जाएगी 40 और ये वाली कितनी हो जाएगी 44। इन दोनों का गुणनफल करना है तो कितना हो जाएगा आपका 0 × 4 = 16, 4 × 16 और एक कितना हो आपका 17, यानी कि 1760 हो जाएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि पांच विषयों में से राकेश के पहले तीन विषयों में औसत जो अंक है वो 75 थे और अंतिम तीन विषय में औसत जो अंक है वो 82 थे। यदि तीसरे विषय में उसके अंक जो थे वो 66 थे तो सभी पांच विषयों में उसके औसत अंक क्या होंगे। तो औसत कैसे निकालते हैं, कुल योग बटे उनकी संख्या। अब देखो जब पहला और आखिरी लिया जाएगा तो इसका केस समझो, जैसे कि अगर मान लेते हैं 1, 2, 3, 4 मान लेते हैं पांच संख्याएं, देखो तीन तीन, अगर पहले से तीन और आखिरी से तीन ली जा रही हैं तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा, ये आ जाना चाहिए कि संख्याएं कितनी हैं, पांच संख्याएं कितनी हैं, पांच। अगर पहले से चार आखिरी से चार ली जा रही हैं तो संख्याएं कितनी होंगी, इनको जोड़ो उसमें से एक कम कर दो, यानी कि टोटल 7 संख्याएं होंगी। क्यों, देखो अगर पांच संख्याएं तो पहले से तीन लिया, क्लियर, फिर आखिरी से तीन लिया, तभी तो तीन तीन तरीके से आप ले सकते हो पहले और आखिरी से, यानी कि इसको देख के आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि टोटल संख्याएं कितनी होंगी। अब देखो जब भी ऐसा केस होगा तो ये जो बीच वाली संख्या है यानी कि तीसरी वाली संख्या, जो यानी कि इसका जो एवरेज होगा वो दो बार रिपीट हो जाएगा, एक बार इस तरफ से रिपीट हो रहा है, एक बार इस तरफ से रिपीट हो रहा है, यानी कि इसको अगर हमें सम निकालना है सभी का तो इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब समझो तीन संख्याएं हैं, इनका जो औसत है वो 75 है तो इनका सम कितना हो जाएगा 3 × 75, लास्ट वाली तीन का औसत कितना है 82 तो इनका सम कितना हुआ 3 × 82। अब इस प्रोसेस में जो बीच वाली संख्या यानी कि तीसरी संख्या है वो दो बार रिपीट हो गई, इसीलिए यहाँ पे देखो तीसरी जो संख्या है वो कितनी दी है 66, तो इसको घटा देंगे तो ये क्या आ गया, सभी पांचों संख्याओं का सम आ गया, इसको अगर पाँच से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा एवरेज। तो इसे सॉल्व कर लो आप, ये कितना हुआ 75 तिया कितना हुआ आपका 225 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 और 3 × 8 = 24 हुआ आपका और माइनस का 66 बटे कितना आपका 5। तो इसमें से अगर हम घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 और 180 जब हम जोड़ेंगे 225 में बटे 5 तो ये आपका कितना आया 405
बटे 5, तो 5 8 40 और 5 51 5 यानी कितना हो जाएगा आपका 81। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर है अंडर रूट 3 कॉस थीटा, तो इस पोर्शन की आपको वैल्यू निकालनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉस को अगर नीचे लाएं तो साइन बटे कॉस यानी कि 10 थीटा हो जाएगा आपका, और वो कितना दिया है अंडर रूट 3, ये किसकी वैल्यू होती है 60 की, यानी कि थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 60। अब देखो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करो, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 3/4 आएगा, तो 3 × 3/4 लिख लिया। प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, बटे 2 × cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और प्लस का 5, तो ऊपर कितना आ गया आपका 3 × 3 = 9/4 प्लस आपका 1/2, और नीचे कितना आएगा आपका 6 आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें 4 तो 9, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 × 6 हो जाएगा, तो 9 × 2 कितना हुआ आपका 11, और 6 × 4 कितना हुआ 24। यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आराम आराम से चीज़ों को कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विवेक सुबह 8 बजे 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से गति करना शुरू करता है, उसके 4 घंटे के बाद 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से नीरज उसी दिशा में यानी कि सेम दिशा में है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कैसे निकालेंगे, घटा के निकालेंगे। उसी दिशा में गति करना शुरू करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। पहला है कि नीरज और विवेक शाम को 5:36 बजे एक दूसरे को मिलते हैं, तो देख लेते हैं भाई। अब देखो ये 8 बजे चलता है और ये चलता है 4 घंटे बाद, तो 4 घंटे में इसने कितनी दूरी तय कर ली, 70 × 4 यानी कि 7 × 4 = 28, तो 280 का इनके बीच में फासला है। तो अब 4 घंटे के बाद उसने भी चलना स्टार्ट कर दिया, तो अब ये 280 की दूरी को रिलेटिव स्पीड कितनी, 70 और 120 का डिफरेंस कितना 50, इस 50 की दूरी से, इस 50 की चाल से इस दूरी को तय करने में जितना समय लगेगा उतनी देर में इनका क्या हो जाएगा, मिलन होगा। तो 5 से काटा तो 5 × 5 = 25 हुआ, 3/5 तो 60 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे 12 यानी कि 5:05:36 के बाद इनका क्या होगा, मिलन होगा। 5:36 के बाद मिलन होगा। अब देखो टाइम क्या होगा, 8 बजे ये चला, 4 घंटे बाद ये चला यानी कि ये 12 बजे चला, तो 12 बजे के बाद 5:36 बाद यानी कि 5:36 ही होगा, यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अगला है कि शाम 4 बजे तक नीरज और विवेक दोनों द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। देखो ये 8 बजे चलता है और ये 4 घंटे बाद यानी कि ये 12 बजे चलता है, तो इसको 4 घंटे मिले चलने के लिए और इसको कितने मिले 8 घंटे, तो 8 घंटे में इसने कितनी दूरी तय कर ली, 8 × 56 और इसने 4 घंटे में कितनी दूरी तय की, 5 × 48, तो टोटल डिस्टेंस इनके द्वारा कितनी कवर की, 0 और 8 × 6 = 14 और 5 × 4 = 9 और 1 = 10, 1040 होगा, यानी कि 1040 दिया नहीं है, 1080 दिया है, तो केवल पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर फॉर 2 सर्किल हुज रेडियस आर 16 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, यानी कि उनके केंद्रों के जो बीच की दूरी होगी वो आपकी क्या होगी, उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। तो हमेशा याद रखो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, डायरेक्ट जो कॉमन टेंजेंट होती है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी -r1 - r2 2 इस तरीके से निकालते हैं। तो आपको केंद्रों के बीच की दूरी निकालनी यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपको निकालनी है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितनी दी है आपको, 24 दी है, ठीक है। तो अंडर रूट ये d1 का स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 में से 6 गया तो कितना बचा आपका 10 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा आपका 100। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, ये आपका 576 बराबर, ये अगर स्क्वायर करें तो ये कितना हो जाएगा d1 स्क्वायर माइनस का आपका 100, ये इधर आएगा तो ये 676 हो जाएगा d1 स्क्वायर, तो d बराबर कितना हो जाएगा, d1 बराबर ये 26 का होता है आपका, ठीक है। आप इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि 24 है और इसका डिफरेंस कितना है, 10 है, तो 24 + 10 = 26 का ट्रिपलेट बनता है, यानी कि आपका डिस्टेंस के जो बीच के जो केंद्र हैं उनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी आपकी, 26 सेंटीमीटर होगी। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो दिया हुआ है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत छूट दे सकता है जिससे उसे कोई हानि ना हो, मतलब अगर कोई उसे हानि नहीं होनी है तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट वो दे सकता है। तो क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो MRP जो है वो उससे 20% अधिक यानी कि 120 रुपये, तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता है, ये 120 की चीज़ ये 20 का डिस्काउंट और दे सकता है, 100 में ही बेच सकता है, 120 की चीज़ जो है वो 100 में ही बेच सकता है, यानी कि मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता है 20 का, तभी इसको नुकसान नहीं होगा। तो यही इसका परसेंट पूछा गया, तो 20 जो है वो 120 का कितना परसेंट है, तो ये कितने बार जाएगा 6, 100/6 की वैल्यू क्या होती है 16/2/3% होती है, यानी कि 16.66 आ जाएगा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, नूतन को एक बैंक और एक ऐप से ऋण के 2 प्रस्ताव मिले, ऐप ने 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए ₹10,000 का प्रस्ताव दिया और बैंक ने समान दर पर तथा समान समय के लिए लेकिन साधारण ब्याज दर पर समान राशि का प्रस्ताव दिया, ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में आपसे क्या पूछ रहा है कि पैसा भी बराबर है रेट भी बराबर है, तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होगा, बस आपसे यही पूछा गया। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आर का आर परसेंट होता है, यानी कि 15% का 15% कितना हो जाएगा 2.25% होगा, कितना होगा 2.25%। तो बस प्रिंसिपल का 2.25% निकाल लो आप, 10,000 का अगर 2.25% निकालोगे, परसेंट मतलब 100 और पॉइंट हटाएंगे तो आपका 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो पूरा ये कैंसिल हो गया, यानी कि कितना जाएगा आपका आंसर 225। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरित उस कोण का मान क्या होगा यदि परिधि पर इस जीवा द्वारा आंतरित जो कोण है वो कितना है 66 है। तो परिधि पर बना कोण जो है, परिधि पर बना जो कोण है वो केंद्र पर बने कोण का कितना होता है, आधा होता है, यानी कि केंद्र वाला जो कोण है वो परिधि से क्या होगा जस्ट डबल होगा, यानी कि वो कितना हो जाएगा 132। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, एक जैकेट को 9610 रुपये में बेचने पर अर्जित जो लाभ है उस जैकेट को 7690 रुपये में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है, 10% का लाभ अर्जित करने के लिए जैकेट का मूल्य क्या होगा। देखो जब 9610 रुपये में बेचते हैं तो होता है फ़ायदा, उतना ही फ़ायदा होता है जितना 7690 में बेचने पर नुकसान होता है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। तो अगर इधर होने वाला फ़ायदा इधर होने वाले नुकसान के बराबर हो तो CP क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम बाई 2, यानी कि 9610। अभी मैं बताऊँगा ऐसा क्यों होता है, 7690/2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, 9 और 1 10 आपका हुआ, और 6 6 12 और एक कितना हुआ 13, और 9 7 15 और एक कितना हुआ आपका 16, तो 2 से काटेंगे तो 2 8 16 और फिर 2 1 2 और 2 5 10, तो ये 8150 हो गया। अब 10% का इसे फायदे पर अगर बेचेंगे तो 110% की वैल्यू क्या होगी, देखो 10% का मतलब 815 और जोड़ दो इसमें, तो 8150 में अगर हम 815 और जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 6 9 8, यानी कि 8961। ये कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, कुछ इसमें गड़बड़ हो रही है, देखो आप सॉल्व कर लो इसे, इसका CP देखो निकालते हैं कितना आएगा, ये कितना है आपका इसे जोड़ो तो ये कितना हुआ 0 और 9 और 1 कितना हुआ 10 और 6 6 12 और 1 कितना हुआ आपका 13 और 9 7 16 और 1 कितना हो जाएगा आपका 17/2, तो ये कितने बार जाएगा 2 8 16, फिर कितना हुआ आपका 1 5 2 6 12, फिर 2 5 10 ये आया, और 10% का फ़ायदा चाहिए यानी कि 865 और जोड़ दो इसमें तो 5 6 5 11, 8 6 14 और 1 15 और 9, यानी कि 9515 ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब क्यों ऐसा हुआ है इस चीज़ को आप समझ लो, क्यों ऐसा किया है हमने वो आप समझ लो कि ऐसा क्यों होता है, क्यों इसे जोड़ देते हैं। देखो इधर होने वाला फ़ायदा अगर उधर होने वाले नुकसान के बराबर है तो क्यों CP जो है इन दोनों को जोड़ के निकाला जाता है, इसको कॉन्सेप्ट के रूप में याद करो।
जैसे प्रॉफिट है, प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे जब 96 एक बार 9610 में बेचा जाता है, एक बार 67690 में बेचा जाता है, तो इधर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इधर प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, यानी कि अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है तो 9610 माइनस मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य सीपी है, तो ये प्रॉफिट आ गया आपका। और इधर नुकसान होता है तो इधर नुकसान जो है वो कैसे निकालेंगे हम लोग, सीपी माइनस एसपी करेंगे, यानी कि 7690। तो अगर हमें सीपी निकालना है तो इसको उधर लेके जाएंगे तो 2CP बराबर ये क्या हुआ, एक दूसरे में जुड़ जाएंगे, तो सीपी अगर 1CP निकालना है तो इनको बाय 2 करना पड़ेगा, समझ गए। इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि अगर प्रॉफिट और लॉस बराबर होंगे तो इनको जोड़ के आधा करेंगे, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि थीटा बराबर जो है 45 डिग्री है तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो कुछ नहीं, इसकी बस वैल्यू रख दो। अगर कॉसेक थीटा, कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 2 होती है, उसका वर्क करोगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो अगर आपका जो त्रिभुज है वो विषमबाहु त्रिभुज है तो परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी कैपिटल आर, वो ABC अपान 4 डेल्टा होगी, कितनी होगी, ABC अपान 4 डेल्टा होगी। तो पहले इसका हमें, देखो भुजाएं तो आपको पता है, डेल्टा मतलब इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो हम पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो ये 9 है, ये भी 9 है, और ये वाली साइड 12 है। आपको पता है कि ये अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो इससे अगर हम लाइन खींचें तो ये परपेंडिकुलर भी होगी, और इन दोनों को, इस जो सामने वाली भुजा है इसको आधा आधा डिवाइड भी करेगी, तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। अब ये देखो समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण इसका 9 है, इसका जो आधार है वो 6 है, तो इसका लंब कितना हो जाएगा, अंडर रूट 81 माइनस 36, यानी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 45, तो इसे हम लिख सकते हैं 3√5, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना 12 और हाइट कितनी 3√5, तो 6 3 18√5 आपका क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। अब सॉल्व कर लो, 9 × 9 × 12 / 4 × 18 × √5, तो 9 × 2 = 18, 4 से काटेंगे 4 3 = 12, तो आपका कितना हुआ यहाँ पे 27 / 2 और √5 से ऊपर नीचे आप गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 27√5/5 दूना कितना हुआ 10, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। दुकान एक में भाई कितना है, दुकान एक में गेहूँ कितना है 16.5, ठीक है, दुकान तीन में कितना है 24, दुकान चार में कितना है 19.5, तो इसे जोड़ लो, देखो ये कितना हो गया आपका 19, देखो ये कितना हुआ 20 20 और 16 36 36 और 24, कितना हुआ आपका 60, यानी कि टोटल गेहूं कितना आ गया 60, और चावल कितना होगा, टोटल चावल की मात्रा कितनी होगी, तो चावल ये वाला है, तो 11.5 15.3 और ये आपका, इन सबको जोड़ोगे तो चावल कितना आ गया आपका 80 आएगा, तो इससे इसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 4 4 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हुआ 25 25 3 कितना हुआ 75, यानी कि कितने परसेंट है आपका 75% है, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक वृत्त की जीवा जो है वो 18 सेंटीमीटर है, जीवा AB द्वारा इस वृत्त के केंद्र में बनाया गया जो कोण है वो 60 डिग्री है, तो इस जीवा की लंबाई क्या होगी। देखो इस तरीके से एक को जीवा है, ये वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो अगर ये 60 है तो ये भी एंगल 60 होगा, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, ये तो बराबर एंगल बनाएंगे, यानी कि ये क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। अगर इसकी त्रिज्या 18 है तो सारी भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगी, 18 18 की होंगी, यानी कि इस जीवा की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर होगी, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो दिया हुआ है आयुष और अभिषेक का वजन जो है वो 8:5 के अनुपात में है, अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है और आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन जो है वो 60% बढ़ जाता है, ठीक है,
यानी कि दोनों का मिला के कितना बढ़ता है, 60% बढ़ता है। यदि कुल वजन जो है वो 104 किलोग्राम हो जाता है, यानी कि बढ़ने के बाद सभी का जो वजन है टोटल का वो कितना हो जाता है 104 किलोग्राम, तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन कितना होगा। तो देखो ये आयुष हैं आपके, आयुष हैं और ये अभिषेक है, ठीक है, और ये दोनों है, ठीक है। इसका ये 8 और 5 का अनुपात है, यानी कि टोटल इनका वजन कितना है 13, ठीक है, और बढ़ने के बाद इनका वजन कितना हो गया 104। अब दोनों में कह रहा है कि 60% की वृद्धि होती है, ठीक है, और उसके अलावा अभिषेक के वजन में कितनी वृद्धि होती है 40% की, तो इसमें निकाल लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एक जीरो आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, तो इसमें वृद्धि अगर 60% की हो रही है तो 3×6 78 यानी कि 78 की वृद्धि यहाँ पे हो गई। तो वृद्धि होने के बाद ये कितना हो गया आपका 208 हो गया इसका वजन, मतलब अगर हम इसको मतलब इस रेशियो में ये देखें इसकी वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई 208, ठीक है। यहाँ पे 40% का मतलब क्या हुआ 5×20 यानी कि ये कितना हो गया आपका 20 की वृद्धि हो गई, तो ये कितना हो गया आपका 70। तो 208 में से अगर 70 जाएगा तो ये कितना हो गया आपका 138, क्लियर, यानी कि बढ़ने के बाद इसकी जो वैल्यू हो गई वो इतनी हो गई। अब इसकी जो वैल्यू है वो 104 दी, यानी कि जस्ट कितनी आपकी डबल, यानी कि इसको निकालने के लिए इसको आधा करना पड़ेगा, यानी कि जो वैल्यू एक्चुअल है वो इसकी आधी है, 104 मतलब इसकी आधी है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी आधी कर दो, तो 2 से काटोगे 2×12 और 2×18 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 69। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, यदि साइंस C+D बराबर √3/2 और सेक C-D बराबर 2/√3 तो सी और डी की वैल्यू क्या होगी। तो ये किसका मान होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है, यानी कि C+D बराबर हो गया 60 और C-D बराबर ये 30 की वैल्यू होती है, ये कितना आ गया 30। तो अगर आपको योगफल दिया और अंतर दिया है तो बड़ी वैल्यू निकालने के लिए इनको जोड़ के आधा कर दो, तो 60 और 30 90 का आधा कितना हो आपका 45, और अगर आपको छोटी वैल्यू निकालनी तो इन्हें घटा के आधा कर दो, तो 60 में से 30 गया तो कितना बचा आपका 30, और उसको आधा करेंगे यानी कितना जाएगा आपका 15। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, नीचे दी गई तालिका में एक कंपनी के 6 कर्मचारियों का वेतन जो है वो दर्शाया गया है। नीचे दी गई तालिका में एक कंपनी के 6 कर्मचारियों का जो वेतन है वो दर्शाया गया, तो आपसे पूछ क्या रहा है, एल और एम के संयुक्त वेतन का पी और क्यू के संयुक्त वेतन से अनुपात कितना होगा। तो एल और एम का संयुक्त वेतन कितना है भाई, 8,3,11,1150, ठीक है, और पी और क्यू का संयुक्त वेतन क्या है आपका, ये आपका 1050 है, 1050 है। तो साल कर लेते हैं, 5 से काटेंगे 5×10 5×3 15 5×10 5×51 5, यानी कि 23:21, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे K1 जो है वो सभी 5 स्कूलों में पुरुष शिक्षकों की कुल संख्या है और K2 जो है सभी 5 स्कूलों में महिला शिक्षकों की कुल संख्या है, तो K1 - K2 आपको बताना है। तो K1 निकाल लेते हैं, पहले पुरुषों की संख्या का औसत निकालते हैं, तो पहले वाले पुरुष हैं यानी कि 120 और 160 आपका कितना हुआ 280, 280 और 140 कितना हुआ आपका 420, 420 और 100 आपका कितना हुआ कुल संख्या है, 420 और 100 कितना हुआ 520 और ये कितना हो गया आपका 560। K1 में कितने हैं 560, K2 में निकाल लो कितने हैं भाई, ये 160 और 140 कितना हुआ 300 और 360 हो गया, 360 और 60 कितना हो गया आपका 420, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 0, 4, 1, 140, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, इसे जोड़ते हैं 120 और 160 कितना हुआ आपका 280, 280 और 40 कितना हो गया आपका 420, 420 और ये कितना हो गया आपका 520, 520 और 60 580 होगा, ये 580 होगा तो ये 160 हो जाएगा, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखो दिया हुआ है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है 1:4 है, मिश्रण में थोड़ा दूध मिलाया जाता है जिससे दूध और पानी का जो अनुपात है वो 2:1 हो जाता है, प्रारंभिक मिश्रण के कितने प्रतिशत दूध मिलाया गया। तो दूध और पानी का जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है 1:4 है, ठीक है। अब कह रहा है कि जिसमें दूध और पानी का इसमें क्या किया जाता है, थोड़ा दूध मिलाया जाता है,
तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 2:1। अब देखो अगर मिल्क मिलाया जा रहा है तो इसका मतलब बाटर सेम होगा, तो बाटर सेम यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 होने के लिए इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 4 और ये 8 हो जाएगा। तो कितना पानी मिलाया, 1 से 8 यानी कि 7 मिलाया, तो ये प्रारंभिक मिश्रण का यानी कि 4 और 1 5 का कितना प्रतिशत है, यही आपसे पूछ रहा है। तो 5 से काटोगे तो 7 × 2 = 14 यानी कि 140% होगा, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 को स्पर्श करता है। इन 3 वृत्तों द्वारा घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इस तरीके से 3 जो सर्किल हैं वो इस तरीके से एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है, इस तरीके से मतलब बराबर हैं, आप ये समझो। इस पार्ट का आपको निकालना है, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, तो ये आपका क्या बनेगा, ये समबाहु त्रिभुज बनेगा, क्लियर। तो इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों जो त्रिज्यखंड हैं इनका अगर हम एरिया घटा दें तो आपका क्या निकल आएगा, ये वाला पार्ट निकल आएगा। अब ये समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी, 7 × 7 = 14, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, √3/2 कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 × 14 माइनस क्या करना पड़ेगा, इनका इनके क्षेत्रफल का इनके सभी के क्षेत्रफल घटाने पड़ेंगे। तो देखो ये समबाहु त्रिभुज है तो एंगल कितना बनेगा, 60, ये भी एंगल कितना बनेगा, 60, ये 60, तो पूरा सर्किल जब बनता है तो एंगल कितना होता है, 360, ये 180 का मतलब हाफ सर्किल है, तो हाफ सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 πr², तो पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, आर की वैल्यू कितनी, 7 × 7, तो इसे सॉल्व कर लो भाई, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो ये कितना हुआ, 11, तो 11 × 7 = 77 ये आया, और माइनस इसे सॉल्व करो, 7 और ये आपका 7, तो 7 × 7 = 49 √3 − 77 यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ये मौखिक क्वेश्चन कर सकते हो। देखो दिया हुआ है यहाँ पे कि x² + 1/x² = 38, तो x − 1/x निकालना है, तो दोनों तरफ -2 कर दो तो ये कितना हुआ, 36, इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका, 6, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पे जब भी इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आएगा तो समझ जाओ कि aq + bq अगर ऊपर है तो बचेगा क्या आपके पास, a + b, देखो बच भी रहा है, इसका प्रोडक्ट a + b बच रहा है, यानी कि 15 × 4 = 19 बच रहा है, तो इसका मतलब नीचे क्या होगा, a² + b² - ab, तो -ab इसकी जगह पे k है, इसकी वैल्यू निकालनी, तो ये क्या होगा, 15 × 60 हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस व्यय, तो यहाँ पे क्या है, सेविंग है और एक्सपेंडिचर है, सेविंग वाला जो पोर्शन है वो ये है और एक्सपेंडिचर वाला ये है, तो आपको निकालना क्या है, सभी कंपनियों की कुल आय और कुल व्यय से अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो पहले निकाल लो भाई सेविंग, सेविंग कितनी हो जाएंगी, 600 और 1100, सेविंग कितनी होगी, 600, सेविंग निकालो भाई, सेविंग जो होंगी वो कितनी होंगी आपकी, 600 + 1100, इसे डायरेक्ट निकाल लेते हैं, कितना, 6 और 11 कितना हुआ, 17, 600 और 1100 कितना हुआ आपका, 1700, 17 और 9, 9 + 7 = 2600, 26 और 6 कितना हुआ आपका, 26 और 6 कितना हुआ, 32, और 32 और आपका 7 कितना हुआ, 32 और 7 आपका कितना हुआ, 32 32, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये कितना है, 700, ये 11 × 6 कितना हुआ, 17 17 और 9 9 + 7 = 26, 26 और 6 = 32 32 और 7 कितना हुआ आपका, 3900 ये आ गया, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना आ गया आपका, 400 7 4 11 11 6 कितना हुआ आपका, 17 17 5 22, 22 और 13 कितना हुआ, 35, ठीक है, ये 35 हो गया। तो आपको निकालना किसका अनुपात है, एक्सपेंडिचर किसका, कुल आय, तो कुल आय कितनी होगी, इनको जोड़ लो भाई, तो कुल आय कितनी होगी, 7400, और एक्सपेंडिचर कितना है, 3500, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 74:35 आ जाएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन है सही दिया हुआ है,
वहाँ पे एक्सपेंडिचर और आय का पूछा गया है, तो हो जाएगा 35 और 74। तो आपका यहाँ पे जो रेशियो होगा ये दिया हुआ है एक्सपेंडिचर और आय का, ठीक है। अगर आय और एक्सपेंडिचर का पूछेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको ये बताना है कौन सा छोटा होगा, तो कुछ नहीं करना, बस इनकी पावर आप बराबर कर दो। देखो यहाँ पे 12 है, तो 12 करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 12 करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ऐसे समझो 256, ये कितना हो गया आपका 256। यहाँ पे क्या करोगे, 12 करने के लिए आप पावर क्या करोगे, यहाँ पे 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो 12 की पावर 6, यहाँ पे 14 की पावर 4, तो सबसे छोटी वाली जो वैल्यू होगी वो यही तो आएगी। देखो 12 की पावर 6 ये भी बड़ा होगा, 14 की पावर 4 ये भी बड़ा होगा, तो सबसे छोटा जो होगा वो यही होगा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, पी अकेले एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, क्यू अकेले उस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए आर को काम पर रखा जाता है, यानी कि पी प्लस क्यू प्लस आर जो है वो काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो आर अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पी जो है वो किसी कार्य को 10 दिन में करता है, क्यू जो है वो किसी कार्य को 15 दिन में करता है, पी प्लस क्यू प्लस आर उस काम को 4 दिन में करते हैं, तो एलसीएम ले लो कितना हुआ 60, यहाँ पे ये 6 लड्डू बनाएगा, ये 4 बनाएगा, और ये कितने बनाएगा 15 बनाएगा, तो ये दोनों लोग मिलके 10 बना रहे हैं, ये तीनों मिलके कितने बना रहे हैं 15, यानी कि आर जो है वो एक दिन में 5 लड्डू बनाता है, तो सारे के सारे 60 लड्डू बनाने में से कितना टाइम लगेगा 12, यानी कि 12 दिन, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।